सो गाइस एक्स बुक्स पे ना आपको अगर एक्स बुक्स का गेम पास खरीदना है या फिर आपको कोई भी गेम्स खरीदनी है, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा इश्यू रहता है पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि कई लोगों का क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा होता है, कई लोगों का डेबिट कार्ड नहीं चल रहा होता है, कई बार लोग खुद से भी गलती करते हैं और कई बार जो है एक्स बुक्स की भी गलती होती है, ठीक है, लोगों का कार्ड सही होता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी ऑन होता है, लेकिन फिर भी जो है वो अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जो है पेमेंट मेथड में ऐड नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि एक्सबुक्स गेम पास परचेस करने वाला हूँ डेबिट कार्ड से, ठीक है। मेरे पास एक ICICI बैंक का अपना एक डेबिट कार्ड है, ठीक है, उसमें मैंने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी ऑन करके रखा है, ठीक है, और कुछ लिमिट भी सेट करके रखी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और आपको जो है डेबिट कार्ड से एक्सबुक्स गेम पास 50 रुपीज़ वाला, मैंने नया अकाउंट यहाँ पर बना के रखा है, ठीक है, एक्सबुक्स गेम पास 50 रुपीज़ वाला यहाँ पर मैं आपको लाइव परचेस करके दिखाने वाला हूँ। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस, ठीक है। और गाइस बाकी एक्सबुक्स के ऊपर मेरे जितने भी वीडियोस हैं ना, उन सभी वीडियोस की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो उसको जो है चेकआउट कर सकते हो गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सबुक्स गेम पास अल्टीमेट लिखा हुआ है 1 month for 50 rupees, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली कंटिन्यूज एट 499 per month, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको मैं कुछ इसके जो बेनिफिट्स है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि डिस्कवर योर नेक्स्ट फेवरेट गेम्स, ठीक है, 100 of high quality गेम्स अवेलेबल टू प्ले ऑन कंसोल एंड PC, ठीक है गाइस। तो आप जो है इस एक्सबुक्स गेम पास अल्टीमेट को ना आप अपने PC, लैपटॉप या फिर अपने कंसोल में कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांड न्यू गेम्स ऑन डे वन फ्रॉम एक्सबुक्स गेम स्टूडियो। एक्सबुक्स की अगर ऑफिशियल कोई भी गेम है, ठीक है, लाइक हम बोलते हैं ना कि सोनी का एक टाइटल है, जैसे वैसे ही एक्सबुक्स के भी काफ़ी अच्छे अच्छे टाइटल्स है, वो जब भी रिलीज होंगे ना गाइस तो आपको जो है डे वन आपको खेलने के लिए मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज आपने परचेस करके रखा होगा एक्सबुक्स गेम पास अल्टीमेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और EA Play का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलता है, ठीक है, फीफा, बैटल फील्ड, स्टार वॉर्स जैसी गेम्स देखने के लिए मिल जाती है, फ्री पर्क्स है, डिस्काउंट है, रिवार्ड है एंड मोर, ठीक है। और इसके ऊपर ना मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बना के रखा है एक्सबुक्स गेम पास अल्टीमेट के ऊपर, ठीक है, आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा गाइस, आपके जो है एक्सबुक्स गेम पास के ऊपर जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये तो हो गई सारी बातें, यहाँ पर देखिए अदर प्लान्स है, ठीक है, तो अदर प्लान्स के ऊपर हम जाएंगे और बाकी और कौन से प्लान्स है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए गाइज एक्सबुक्स गेम पास अल्टीमेट है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बेनिफिट दिखाए थे वो सारे इधर है, और यहाँ पर है कंसोल के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं ये एक्सबुक्स सीरीज एस में ट्राई कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप कंसोल का ही देख रहे हो। बाकी अगर आपने PC पे अगर इसको लॉग इन किया होता, ठीक है, या फिर नया अकाउंट बनाया होता तो आपको यहाँ पर गेम पास फॉर PC भी देखने के लिए मिलता। गेम पास फॉर कंसोल और PC का सेम प्राइस है 349 1 month के लिए, ठीक है गाइस। और यहाँ पर जो है एक्सबुक्स गेम पास अल्टीमेट लिखा है 1 month for 50 rupees। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे, देखिए। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जैसे ही मैंने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक किया ना गाइस, तो यहाँ पर आ रहा है कि रिकरिंग बिलिंग सब्सक्रिप्शन टर्म्स फॉर एक्सबुक्स गेम पास अल्टीमेट 499 per month, ठीक है। यानी कि क्या होता है ना, कई लोगों को यहाँ पर भी डाउट होता है कि भाई यहाँ पर तो मुझे 50 rupees दिखा रहे थे लेकिन यहाँ पर 500 क्यों दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका मतलब है कि जब नेक्स्ट मंथ से आपका बिलिंग होगा, ठीक है, तभी के लिए टर्म्स एंड कंडीशन आई है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जब भी आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होगा 50 rupees वाला, ठीक है, तो उसके बाद आपको कितना पे करना है गाइस, 500 प्लस जो भी टैक्स रहेगा वो, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपको जो है कोई भी एक पेमेंट मेथड को ऐड करना है और यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर देख सकते हो अल्टीमेट 1 month ऑर्डर समरी सब टोटल 50 rupees, ठीक है। यहाँ पर हमको कर देना है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पर क्या लिखा हो रहा है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। सो गाइस जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको जो है कार्ड होल्डर का नाम डाल देना है, ठीक है, जो भी आपके डेबिट कार्ड के ऊपर रहेगा या फिर जिसका भी बैंक अकाउंट है उसका जो है यहाँ पर आपको नाम डालना है, ठीक है, ठीक है, ये रहा, डाल दिया है मैंने, बैक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है गाइस आपको। यहाँ पर क्या करना है, कार्ड का नंबर डालना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप गाइस देख रहे हो ना कि मैंने जो है अपने डेबिट कार्ड का नंबर डाल दिया है, और मैं आपको फिर से डेबिट कार्ड भी दिखा देता हूँ, ये कैसे दिखाऊँ मैं, एक मिनट, ये मैं थोड़ी डिटेल हाइड कर देता हूँ पहले। ये देखिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ना,
ये वाला नंबर आप जो है देख लीजिएगा, उधर भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीज़ा का कार्ड है, डेबिट कार्ड है, फिर ये मत बोलिएगा गाइस कि तुमने क्रेडिट कार्ड दिखाया, मतलब डेबिट कार्ड दिखाया और ऐड किया क्रेडिट कार्ड, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है, और मैं सब कुछ दिखाऊंगा, इसका जो भी अमाउंट डेबिट हुआ होगा वो भी दिखाऊंगा, मेरे अकाउंट में मैंने क्या क्या चेंजेस किए वो भी दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो मैंने जो है यहाँ पर कार्ड का नंबर ऐड कर दिया है और आगे देखते हैं गाइस कि क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पर मंथ डालना है, CVV नंबर वाला सेक्शन मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, क्योंकि सेफ्टी के लिए, सेफ्टी भी भाई रखनी पड़ती है आजकल यार। ओके, तो मैंने जो है सारी डिटेल डाल दी है, लेकिन अभी एड्रेस को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो एड्रेस मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, जैसे मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, ओके कर दिया, जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, एड्रेस लाइन वन में भी अपना सिटी का नाम डाल दिया है, नेक्स्ट कर दिया, टाउन सिटी उसमें भी हमने अहमदाबाद ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टेट, ओके हाँ स्टेट हम सिलेक्ट करेंगे गुजरात, ऑलराइट, तो हमने गुजरात को सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट करेंगे फिर क्या है, पोस्ट कोड, ओके पोस्ट। तो देखिए गाइस मैंने जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर दी है, ठीक है। तो अभी क्या करना है ना गाइस, आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सिंपल है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं सेव, और देखिए गाइस बूम बूम शाकाला का बूम बूम, हो जा भाई हो जा, इज्जत का सवाल है यार, होना ही चाहिए गाइस, क्योंकि डेबिट कार्ड वर्क करते हैं, ठीक है गाइस, ऑल राइट। तो ये देखिए गाइस कंफर्म पेमेंट, यहाँ पर ये रहा मेरा कार्ड, वीज़ा का कार्ड है, ये मैंने सारी डिटेल डाल रखी है। टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब टोटल 50 रुपीज़ टैक्स लग रहा है मुझे, 9 रुपीज़ का, यानी कि टोटल हुआ मेरा 59 रुपीज़ का, ठीक है गाइस। तो ये पेमेंट मेथड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, अभी मुझे क्या करना है, सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना है और मेरे अकाउंट से जो है 59 रुपीज़ कट हो जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक, ये देखिए गाइस, इट्स योर्स, थैंक्स फॉर योर परचेज, नाउ गो हैव सम फन। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने आपको लाइव दिखा दिया है कि मैंने डेबिट कार्ड से गेम पास को परचेज कर लिया है, किसे किया है वो भी बताया, आप जो है ट्राई कर लीजिए, जिनका भी नहीं होता है, ठीक है, वो ये सब ट्राई कीजिए, हो जाएगा गाइस, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको सब्सक्रिप्शन में जाके बता देता हूँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करनी है कि टर्न ऑफ रिकरिंग बिलिंग, ठीक है, आपको जो है रिकरिंग बिलिंग को ऑफ कर देना है यहाँ से, ठीक है, वरना क्या होगा ना कि आप भूल जाओगे तो आपका जो है 499 प्लस टैक्स की अमाउंट जो है नेक्स्ट मंथ कट होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में आ जाना है, ये देखिए गाइस, सब्सक्रिप्शन में आने के बाद एक्सबुक्स गेम पास अल्टीमेट स्टेटस है कि रिकरिंग बिलिंग ऑन है, ठीक है, नेक्स्ट चार्ज 499 लगेगा 16 तारीख को 12वें महीने में 2022 को, ठीक है, क्योंकि हमने 16/11 यानी कि 16 नवंबर 2022 को यानी कि आज हमने परचेस किया है। पे विथ लास्ट में नंबर देख लीजिएगा इस 9829 जो कि मेरा डेबिट कार्ड का नंबर है, ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया प्रूफ। अभी क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको, सिंपल। देखिए गाइस ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर, प्रीवियस चार्ज यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना है, टर्न ऑफ रिकरिंग बिलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यस कर देना है, सिंपल। यहाँ पर क्या हुआ, आपका टर्न ऑफ रिकरिंग बिलिंग ऑफ हो चुका है, अभी आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आपका एक्सबॉक्स गेम पास जो है एक्सपायर क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो यही था गाइज इस पूरे वीडियो में, ठीक है, ये वीडियो जस्ट मैंने आपके लिए ही बनाया है गाइज, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा गाइज, ठीक है। ऐसे ही एक्सबुक्स रिलेटेड वीडियोस जो है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय।